नमस्कार दोस्तों, अजय ठाकुर कबड्डी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ है अनिकेत चंदेल जी, जो कि धबोटा गांव से संबंध रखते हैं। और अभी जो हमारी जूनियर डिस्ट्रिक्ट जो कबड्डी चैम्पियनशिप जो हुई थी देवगढ़ सोलन में, ये धबोटा टीम की ओर से कैप्टन थे। और अनिकेत चंदेल जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। तो सर, आप मतलब धबोटा टीम के कैप्टन थे और आपने बहुत अच्छा जो खेल प्रदर्शन है वो डिस्ट्रिक्ट में दिखाया। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सोलन है, इसमें कबड्डी खेल जगत में बहुत बड़ा कंपटीशन है और यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी टीमें वहाँ पे गई थी, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर गए थे। तो आपने जो है अपनी टीम को विन करवाया, तो आपका सर कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पर लाइव दिखाया। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एक्सपीरियंस देवनघाट में हमारा रहा जी, वो मेरा मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट स्टेट चैम्पियनशिप वहाँ पे हुई और वो अक्सर मैट पे हुई वो जी। और हमने हमारी प्रैक्टिस ऐसी थी कि हम अपने धबोटा ग्राउंड में प्रैक्टिस किया करते थे, हम साथ में एक टीम बनाकर हम प्रैक्टिस करते थे जी। और उसमें हम ऐसा मतलब गौर करते थे कि हम रेडर्स को भी अच्छा चलाएं और डिफेंस भी हमारा अच्छा रहे, ताकि हम वहाँ पे अपनी पूरा 100% दें कि हम अपनी टीम को जिता सकें जी। और इसी तरह सर, हमने सारे मैचेस खेले, जैसे हमारा सोलन सी के साथ मैच हुआ, राजपुरा के साथ मैच हुआ, हमारा बहुत मतलब टक्कर का मुकाबला था राजपुरा के साथ जी। तो उसमें भी हमने ऐसा ही सोचा कि हम मैच को एकदम पोलाइटली खेलें और अच्छे से मतलब हमने अपना प्रदर्शन करें वहाँ पे जी। तो सबसे पहले तो ये बात है कि सोलन डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा कबड्डी का मतलब कुंभ माना जाता है, कि मानने में ये है कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई टीम फर्स्ट आती है तो वो स्टेट चैम्पियनशिप आराम से जीत सकती है। तो आपने किस तरीके की तैयारी की थी और सबसे टफ टीम आपको कौन सी थी, जो मतलब जिसको हराने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी, वहाँ पे कौन सी टीम आपको लगी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे बड़ा चैलेंज ये टीम है हमारे लिए? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए राजपुरा टीम ही थी, क्योंकि उनके साथ हमारा बहुत मतलब टक्कर का मुकाबला चला बाकी टीम के मुकाबले, लेकिन हमने उसमें भी मतलब अपना पूरा 100% दिया। उन्होंने उधर से हमारे रेडर्स को पकड़ा, हमने इधर डिफेंस में उनको तोड़ा, और ऐसे ही मतलब हमारा मैच जो था वो बहुत अच्छी तरह से चला और हमने उनको वन साइडेड हराया था। और फाइनल मैच हमारा खोल वैली के साथ हुआ, जो हमारा 5-5 रेड में हमारा जो पूरा हुआ था, उसमें हमने 5 रेड में उनको हराया था जी। आप किस तरीके की तैयारी करते हैं आप टूर्नामेंट के पहले, या टूर्नामेंट में जाने के लिए आप किस तरीके की अपनी डाइट या किस तरीके की तैयारी करते हैं आप लोग? डाइट सर, तैयारी तो ऐसे होती है हमारी, जैसे हम ग्राउंड में जाते हैं, अब सुबह शाम हम प्रैक्टिस करते हैं ग्राउंड में, सुबह हमारा सेशन लगता है, और सुबह सेशन लगने के बाद हम जब शाम को सेशन लगाते हैं तो हमारे बलदेव भाई हमें प्रैक्टिस करवाते हैं अच्छे से, और अजय भाई भी हमें प्रैक्टिस करवाते हैं वहाँ पे। तो मतलब ऐसा है कि हमारा जो डिफेंस है उनको भी वो सिखाते हैं और रेडर्स को भी बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं, ताकि हमारे जो सेट है वो कॉम्बिनेशन में रहे और हम हर टूर्नामेंट में वो अच्छा रहे और करे अच्छा कर सके। तो सर, जो ये अभी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो टीम की सिलेक्शन हुई है, और आप इस सिलेक्शन के लिए कितना सहमत है उस चीज़ से? सर, सहमत तो है, मतलब ऐसा है कि हम स्टेट टीम के लिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन हुई स्टेट के लिए जी, तो हम उसमें सहमत तो हैं कि ठीक है अच्छी टीम की, पर उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसा किया कि मतलब उन्होंने जो पहला मैच जो टीम हार चुकी थी उसमें से उन्होंने कुछ मतलब शायद 4 या 5 जो है वो उठा लिए थे, जो पहला मैच हार चुकी थी, वन साइड हारी जो टीम जी। और हमारे हम धबोटा टीम जो फाइनल में जीती थी उसमें से भी इन्होंने 4-5 को उठाया था। मतलब जो ये सिलेक्शन हुई है डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो स्टेट चैम्पियनशिप के लिए, जो हमारी सोलन की टीम सिलेक्शन हुई है, मतलब आप उसे 101% सहमत है ना? जी सर, सहमत हूँ, क्योंकि सर इसमें कोई मतलब ऐसे सिफारिश नहीं डाली गई है, और अच्छे से मतलब इन्होंने पूरा फुल ट्रायल लिया है। हमारे जयपाल कोच साहब जी ने हमें वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से देखा, हर प्लेयर को उन्होंने एकदम गौर से देखा, और उसके बाद हमारी टीम की सिलेक्शन की है। तो हमें इससे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिफारशी है ये वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है सर, वो अच्छी तरह से हमारा जो है वो ट्रायल लिया गया था वहाँ पे जी। और सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अनिकेत चंदेल जी, और आप सबका हमारे इस लाइव को, इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।